निश्चित रूप से भाजपा जीत गई। नहीं, एक चीज कल अखिलेश यादव आए थे, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वादे कर रही है उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है और अगली गठबंधन सरकार बन रही है, तो आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं उनके बयानों को? और खासतौर से आजमगढ़ के दृश्य में देखूं तो 10 में से 10 भारतीय सपा के पास सीटें रही हैं, तो इसमें कैसे आप इस सीट को फिर रिटर्न कर पाएंगे? मैंने तो देखा पलट कर कि यहाँ भाजपा जीती हुई है और भाजपा फिर जीतने वाली है, चाहे जितने दावे कर ले। जनता विकास पसंद करती है और जब से दिनेश जी यहाँ सांसद बने हैं विकास के कामों के बलबूते पर जनता फिर एक बार भाजपा चाहती है। उत्तर देश में अगली सरकार नरेंद्र मोदी जी निश्चित रूप से भाजपा सरकार, अब तो 5 चरण हो चुके हैं, केवल 2 चरण बचे हैं और चारों तरफ का माहौल बना हुआ कि भाजपा ही। और आजमगढ़ की सीट भारतीय जनता पार्टी के पास बरकरार रहेगी 100%। ये है मोहन यादव जी जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और आजमगढ़ की सीट जिस पर बड़े दावे समाजवादी पार्टी कर रही है उस सीट को भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जीतेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।